नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल रसखान जी के अंतिम पद्य और इस पद्य की संख्या है आठ। आठ पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। हम एक से लेकर आठ तक पदों की व्याख्या आपके सामने रख रहे हैं। सात पदों की व्याख्या आपके सामने आपके प्रस्तुत रख चुका हूँ और अब ये आठवां पद्य और अंतिम पद्य है। इसकी व्याख्या हम किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको एक नमूना के तौर पर बता रहा हूँ। आपको ये मोटा मोटी जो उसकी भूमिका आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद अपनी परीक्षा में आप उस तरह से उन भावों को धारण करते हुए अपनी उस व्याख्या को रख सकते हैं जिससे आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सकती है। रसखान जी का ये जो पद्य है, इसका जो मूल पद्य को मैं सबसे पहले वाचन करके आपके सामने रखूँगा, उसके बाद में फिर जो इसका व्याख्या वो रखेंगे। कहा कहू सजनी संग की सर रजनी नित बीते मुकंद को हेरी आवन रोज कहे मन भावन आवन की न कबो करी फेरी सोतिन भाग बढ़ो ब्रज में जिन लूटन है निसरंग घनेरी मोर रसखानी लिखो बिदना मन मार के आप बनी हो अहिरी। यहाँ पर रसखान कहते हैं कि काहो कहो क्या कहूँ ये सजनी संग को रजनी नित बीते मुकुंद की हेरी और मैं उस मुकुंद को उस फूल को उस स्थिति को देखती हूँ तो रात पर रात बीतती जा रही है लेकिन कृष्ण मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आवन रोज कहे मन भावन वो जो मन को बहाने वाले रोज कहते हैं आवन की न कबो करी फेरी और वो कभी वापस मेरे पास नहीं आते हैं। सोतिन भाग बढ़ो ब्रज में सोतिन जो है उसका जो भाग्य है तकदीर है इस ब्रज में तो जिन लूटन है निसरंग घनेरी और वो जो है रोज अपने उस प्रेम में उनको पागल रखती है और वो हमारे पास नहीं है। एक तरह से उल्हाना है, एक तरह से डहा है। मोर रसखानी लिखी बिदना अब यहाँ पर रसखानी के माध्यम से वो गोपिकाएँ कहते हैं कि मेरे तो जो तकदीर है उसमें विधि ने विधाता ने ब्रह्मा ने लिख दिया मन मार के आप बनी हो अहेरी और अब क्या है वो तो एक तरह से अहेरी शिकारी की तरह से मेरे लिए हैं और वो जो सोतिन हैं उनके पास वो जाते हैं और अपना पूरा प्रेम का प्रदर्शन है वो वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर इन आठ पदों में रसखान जी ने विविधता को रखा है। सभी में जो भाव है वो केवल एक ही भाव नहीं है, अलग अलग भाव है। कहीं पर कृष्ण के अलौकिक रूप की बात करते हैं, कहीं पर कृष्ण के बांसुरी को लेकर बात करते हैं, कहीं पर जो अन्य जो महिलाओं के प्रति उनका आकर्षण था उसको लेकर बात करते हैं, कहीं पर वो जो दूसरे जो अपने उत्सव धर्मी ब्रज की संस्कृति है उसको लेकर बात करते हैं, कहीं उनका जो अलौकिक रूप जिसमें ब्रज की जो लड़कियां हैं वो उनको छछिया भर छाछ पिना तो उसको लेकर प्रस्तुत होते हैं, कहीं पर वो उसके उस रूप को लेकर होते हैं कि भाई हमें आठ सिद्धि नौ निधि सब मिल जाए तब भी हम उसको उनकी उन एक एक वस्तु के ऊपर अपने आप को न्योछावर। तो ये तमाम जो आठ पद हैं इन एक तरह से ये अपने आप में महाकाव्य की तरह से हैं। एक एक पद में बहुत बड़ा सागर समाया हुआ है। तो कृष्ण जी के उस पूरे उसको लेकर छवि को लेकर यहाँ रसखान जी इसीलिए कृष्ण भक्त कवियों में अलग तरह के कवि सिद्ध होते हैं और इसीलिए वो एक अलग धर्म के अलग मजहब के व्यक्ति होते हुए भी कृष्ण भक्ति में जो उनकी सरसता और मधुरता है वो काबिले तारीफ़ है। तो ये सारी तमाम बातें हम यहाँ पर रख सकते हैं, बता सकते हैं और विशेषकर विशेष रूप में हम इन सब बातों को रख सकते हैं। ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, माधुर्य काव्य गुण है, वैदर्भी रीति है, भक्ति रस है, शांत रस है और पद्य मैत्री है, वर्ण मैत्री है, जो तमाम जो हो सकते हैं अलंकार हैं, अनुप्रास है, रूपक है, यमक है,
ये जो तमाम तरह की जो काव्य की अंग की जो पद्धतियाँ हैं उनको हम यहाँ पर रख सकते हैं। धन्यवाद।